गुरुवार को सिविल लाइन स्थित एक होटल में यूनिसेफ द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यशाला का एडीजी दावा शेरपा ने उद्घाटन किया। कार्यशाला में उपस्थित वक्ताओं ने महिला सशक्तिकरण और किशोरों द्वारा बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अपने अपने विचार रखे। इस मौके पर एडीजी दावा शेरपा, एडीजी 1090 अंजू गुप्ता, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, पुलिस अधीक्षक रेलवे पुष्पांजलि, पुलिस अधीक्षक उत्तरी रोहित सिंह सहवाण, एसपी क्राइम आलोक शर्मा, पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, क्षेत्राधिकारी कोतवाली, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह सहित यूनिसेफ के अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एडीजी दावा शेरपा और एडीजी 1090 अंजू गुप्ता ने बताया। इसमें फर्क केवल इतना है कि इसमें दो समाज सेवक हैं, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर श्री महर्षि अग्निहोत्री जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा। इसे है ड्रग्स के बारे में, बच्चे अक्सर ड्रग्स की लत में लग जाएंगे, फिर ड्रग्स के चलते फिर उस खर्चे को उठाने के लिए तमाम तरह की गलत आपराधिक संगठन आपराधिक क्षेत्र में चले जाते हैं। चूंकि बच्चे हमारे भविष्य है, इसलिए इसमें जो भी आप योगदान करेंगे ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के रूप में, सोशल इन्वेस्टमेंट के रूप में काम आने वाली है। मैं कार्यशाला की सफलता के लिए अपनी ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी पूरी विश्वास है कि ये आयोजन के माध्यम से बाल संरक्षण अधिकारियों को बारे में जानने और अधिकार प्राप्त कराने के जो प्रयास है वो सफल रहेंगे। महिला सम्मान और हमारे वर्जन रहेंगे जो एडीजी महोदय के प्रयास को हम कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें पूर्ण मनोयोग से पूरी प्रतिबद्धता से इस शिविर को सफल बनाने में लगे रहेंगे। धन्यवाद। उनके लिए कोई अलग कानून बना है क्या, जो हम आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं इस्तेमाल करते हैं, जो अमूमन करते चले आए हैं, क्या वही सही है या किसी बाद में बात करेंगे? पहले हम लोग किशोर न्याय अधिनियम जो है 2015 में जो नया कानून आया है जो 6 में ही आ गया था और इसको 2000 में पूरे भारतवर्ष में लागू भी किया गया था। 2006 बच्चों की नहीं होनी चाहिए, उसको कम होना चाहिए, इसलिए नया कानून जो है 2015 में बना जिसमें कुल 10 अध्याय और 112 धाराएं हैं। नए की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास पुराना अधिनियम 2000 था, जैसे मैंने बताया एक निर्भया कांड इंपॉर्टेंट कड़ी है, जिसका मामला होगा चाहे वो विधि का उल्लंघन वाला हो चाहे वो देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाला मामला हो, उन दोनों बच्चों के विषय में जेजे एक्ट कुछ कह रहा है तो वहां पर हम जेजे एक्ट लेंगे। मान लीजिए जहां पर कोई विरोधाभास आ रहा है कि आईपीसी कह रहा नहीं ये होना चाहिए, सीआरपीसी कह रहा नहीं, वहां पर अगर बच्चे का मामला है तो अगर जेजे एक्ट में वो प्रावधान दिया गया है तो हम उसको सर्वोपरि मानेंगे। यदि जेजे एक्ट में कहीं पर ऐसा है, कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर जेजे एक्ट साइलेंट है, जहां पर नहीं पता है कि क्या होना चाहिए, तो वहां पर हम सीआरपीसी और आईपीसी के प्रावधानों को लागू करेंगे। जैसे हम लोग अभी इन चीजों को आगे डिस्कस भी कर रहे हैं किए गए हैं जिसके बेस पर ये काम करता है, कुल 16 सिद्धांत है। ये बच्चे की भाव, बच्चे के लिए कैसे हम व्यवहार करें, बच्चे के साथ जो भी हम प्रक्रिया करें वो कैसे हमारा बाल सहायक हो, ये सिद्धांतों में दिया गया है अच्छी तरीके से कि हमको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित का सिद्धांत ध्यान में रखना है। नंबर 4 जो है, अगर ये सिद्धांत आप अप्लाई करते हैं किसी बच्चे से पेश आने में तो एक तरीके से आप 16 सिद्धांत का जो है निचोड़ जो है उस सिद्धांत में दे देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आप लिख सकते हैं, आपको पूरा एक्ट जो है देखने में जैसे मान लीजिए अगर दिक्कत होगी तो कुछ प्रमुख धाराएं हैं जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि आप पुलिस बल से हैं। तो नंबर 1 धारा 10 बालक की गिरफ्तारी की बात करती है कि उसको कैसे आपको अभिरक्षा में लेना है, कैसे उससे व्यवहार करना है। धारा 11 जिसके प्रभार में बच्चे को दिया गया है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी है या कोई भी पुलिस अधिकारी है या SJPU है, तो उनके क्या कर्तव्य होंगे। धारा 12 जो है बच्चे की जमानत के बारे में बात करता है, चाहे वो पुलिस अभिरक्षा में हो या वो किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा दी जा रही है। धारा 13 माता पिता या अधिकारियों को सूचना देने के लिए जो प्रावधान है। धारा
जो सीआरपीसी का अध्याय 8 है वो लागू नहीं होगा, उसमें जो कार्यवाहियां की हुई हैं वो एडल्ट पे ही लागू होगी, किसी माइनर पे लागू नहीं होगी। धारा 26 कहती है मान लीजिए पुलिस संरक्षण से कोई बालक भाग जाता है या किसी संरक्षण गृह संप्रेक्षण गृह से कोई बालक भाग जाता है तो उसके लिए क्या उपबंध होंगे, उसमें क्या कार्यवाही होगी। धारा 31 और 32 आपको बताती है कि कोई भी अगर देख रेख और संरक्षण की श्रेणी का बच्चा है उसको आप कैसे सीडब्ल्यूसी को आपको प्रेजेंट करना है। इसके द्वार पे अगर जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ जाएं, ये बहुत अच्छी बात है कि देश के कानून ने इस कानून की आत्मा को बदल दिया और इसमें पुलिस के साथ साथ और ऐसी इकाइयाँ बनाई गई हैं जो कि पुलिस को पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं कहाँ जाऊँ। इनमें से कुछ का हम आपको भी परिचय देते हैं। जे जे बोर्ड वो बोर्ड है जहाँ पे जो बच्चे विधि का उल्लंघन करते हैं जिनको बाल अपराधी नहीं कहा जाता। आपको पता है कि अगर किशोर 18 साल से कम अपराध करता है तो उसे अपराधी नहीं कहते, उसे कहते हैं कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। अपराधी वर्ड बच्चों के लिए यूज नहीं करता कानून वर्ड। इन बच्चों को जे जे बोर्ड के आगे किया जाता है। अगली जो इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ है बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वो कमेटी है, अगेन ये सब पुलिस नहीं बना रही है, ये सब कोर्ट सिविल प्रशासन कोर्ट ये सब बना रहे हैं। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो कमेटी है जो उन बच्चों को देखती है जिनके विरुद्ध अपराध हो या जो ऐसे हैं जिन्हें देख रेख संरक्षण की जरूरत हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसे ही जिला बाल राज्य संरक्षण इकाई है और जो बच्चों से विधि का उल्लंघन होता है उनके लिए ग्रह अलग है, वो अलग है, और जिन बच्चों को देख रेख की जरूरत होती है उनके ग्रह अलग है। तो आप ये देखिए कि कानून ने कितना गहराई से सोचकर कितनी इकाइयाँ बनाई हैं। ये इम्पोर्टेंट है जानना कि हम अपने ऊपर सब ना उड़े, हमें पता होना चाहिए कहाँ जाना है। और जो हमारे लिए पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जानना वो ये है कि कानून ने बनाया है, ये कोई किसी का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है, ना सरकार का ना डीजी का। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट SJPU जिसके आप लोग यहाँ बैठे होंगे कई सारे, और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर जो कि हर एक थाने में नियुक्त होना अनिवार्य है, देश का कानून कहता है। जिले के SP SSP का कार्य है इनको अपॉइंट करना। ये इंस्टीट्यूशंस बनी है, ये ऐसी इकाइयाँ बनी है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। आपको बच्चों से डील करने में कोई भी विधिक चीज हो इन इकाइयों के बारे में पता होना चाहिए। जी बोर्ड बना दिया, इसमें फर्क केवल इतना है कि इसमें दो समाज सेवक हैं जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य ना, जज ही होते हैं, माइनॉर्ट ही होते हैं, इसमें माइनॉर्ट के अलावा भी दो समाज सेविक हैं। नेक्स्ट, क्योंकि आवश्यकताओं को भी पूर्ति करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसके घर में उससे दुराचार हो रहा है और उसने गुस्से जाके किसी को उसका परीक्षण भी करता है। आप केवल हम इसलिए बता रहे हैं कि कानून ने खाली शब्द नहीं बदले, धारा ही नहीं बदली, कानून ने अपनी आत्मा भी बदली है। इसमें जिसमें महिलाओं का होना जरूरी है इसमें भी समाज सेवी के जरूर होते हैं। बाल अधिकार और किशोरों के संबंध में जो कानून बने हैं उसके प्रावधानों के बारे में एक दिवसीय कार्यशाला है, इसमें गोरखपुर जोन के सभी जनपदों से हमारे लोग आए हुए हैं पुलिसकर्मी, और ये यहाँ कार्यशाला में भाग लेके ये मास्टर ट्रेनर के रूप में फिर अपने अपने जनपदों में और लोगों को ट्रेनिंग देंगे महिलाओं के संबंध में और किशोरों के संबंध में। जो भी लेटेस्ट कानून है वो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, तो इसलिए महिला सम्मान प्रकोष्ठ की तरफ से ये एक प्रयास है और मैं समझता हूँ कि ये आज की आवश्यकता भी है, इसलिए ये कार्यशाला करें। वुमेन पावर लाइन 1090 एक ऑल यूपी की एक सेवा है जिसमें जो महिलाओं से छेड़खानी होती है जैसे फ़ोन पे या साइबर स्पेस में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे या फिजिकली होती है उसमें लड़कियां कंप्लेंट कराती हैं फ़ोन से, और लड़कियों की जो आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रखी जाती है क्योंकि लड़कियां अपनी आइडेंटिटी देना नहीं चाहती, थाने भी नहीं जाना चाहती। तो उन सब कंप्लेंट्स को हम लोग लेते हैं और उसको 1090 जो है वो ढूंढता है कि परपेटर कौन है, कौन लड़का परेशान कर रहा है, और उसको फ़ोन पर हमारे यहाँ से काउंसलिंग होती है। और जो फिजिकली होता है जैसे ग्राउंड पर जैसे कहीं छिड़खानी हो रही है तो वो मामला हम इमिजिएटली फ़ोन द्वारा उस जनपद को बता देते हैं। और इसी के क्रम में अभी हम एक बड़ी कैंपेन 1090 की चलाने जा रहे हैं ताकि गांव-गांव देहात में
छोटे कस्बों में भी लड़कियों को महिलाओं को ये पता चले कि 1090 जैसी एक सेवा है जिसका उपयोग वो कर सकते हैं, क्योंकि थाने पे ना जाना थाने पे जाना महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और अपनी इस तरह की बात को कहना भी सामाजिक दृष्टि से महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए थोड़ी दिक्कत होती है, पर कहीं पे उठा के फ़ोन करना और बात करना जहां उन्हें लगे कि महिला कर्मी ही हमारा फ़ोन लेगी, हमें लगता है कि एक बहुत सार्थक प्रयास है और हमारे को 9 लाख से ऊपर कॉल इस साल आ चुके हैं। फॉल्स कॉल को कैसे पहचाने, फॉल्स कॉल भी करता होगा? बहुत कम होती हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि कोई फॉल्स कॉल इस तरह की लड़कियां करेंगी, और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूँ कि मैंने कोई फॉल्स कॉल अब तक देखी नहीं इस तरह की कोई फॉल्स कॉल हो, और हम अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। हमारे पास भी अपना एक पुलिस का तरीका है अपने आप को सेटिस्फाई करने का कि जहाँ पे इस तरह की लड़कियों के साथ अभद्रता हुई हो उसमें हम अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, तब उस पर एक्शन लेते हैं। थैंक यू।